नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। इसलिए गमछे को लगा के जाओ खाने पर, जब आप खाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेज ले की भाई। बोली है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है, आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहाँ है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, दो लोगों के पास पावर है। और ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है, कहाँ जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। मंत्री बनते ही योगी को पावर दिखाने लगे ओम प्रकाश राजभर। पहले योगी से भीख मंगवाने की करते थे बात, अब फिर दिखाने लगे आंख। राजभर के बड़बोले बयान ने सीएम योगी को किया असहज। डीएम एसपी दरोगा को भी लगे धमकाने मंत्री ओम प्रकाश राजभर। दो दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास सबसे ज़्यादा पावर उनके पास है। लोगों का मानना है कि राजभर इशारों में योगी को शायद यह बताना चाह रहे हैं कि उन्हें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आशीर्वाद से मंत्री बनाया गया है, इसलिए खुद को पावरफुल मानते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर राज्यपाल ने ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था। योगी ने राजभर के बयानों से परेशान होकर यह कदम उठाया था, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर योगी को भीख मंगवाने जल संन्यासी मंदिर में मोदी को सबसे बड़ा झूठा बोलने वाला ना जाने क्या क्या बुरा भला बोलते रहते थे। एक बार फिर से मंत्री बनाए जाने पर वो बार बार अपनी पावर की बात वोटरों और अधिकारियों को सुना रहे हैं। मऊ में बुधवार को एक कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने जो बोला उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ, वही पुलिस सलूट करेगी। थाने पर जाओ सफ़ेद गमछा मत लगाओ, पीला गमछा लगाओ। दरोगा की हिम्मत नहीं जो मुझे फ़ोन कर दे। एसपी और डीएम की औकात नहीं जो मुझे फ़ोन करे। क्या आपने भेजा था? मुझे शोले फिल्म का डाकू गब्बर सिंह समझो। अगर आपको कोई समस्या है तो किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाएं, इंस्पेक्टर को बताएं कि मैंने आपको भेजा है। इंस्पेक्टर के पास इस बारे में मुझसे सवाल करने की कोई ताकत नहीं है। राजभर ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, योगी के बाद सबसे बड़ी मेरी हैसियत। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर राजभर के बयान को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।